मुख्य जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जी का जो आज फैसला आया वो कहीं ना कहीं आज सत्य की जीत है और आज लोकतंत्र को जिंदा रखा गया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद हूँ और अपना पार्टी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद हूँ। माननीय हमारे सुप्रीमो जो अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत मान जी, सीएम साहब हमारे पंजाब से, और हमारे सह प्रभारी डॉक्टर अहलूवालिया जी, और तमाम जितने भी हमारे अगू नेता हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो सभी ने पूरा दिल जान से जोर लगाया और पूरा इंडिया लाइंस का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एक मत होके वोट दिया। और इसमें आगे देखना कि बीजेपी का जो पर्दाफाश हुआ है पूरे इंडिया में ऐसे ही इनका पर्दाफाश होगा और ऐसे ही ये हर जगह जो है हार का सामना देखना पड़ेगा। देखिए ऐसा है ना, मैं पहले भी बोल रहा था जैसे कि हमेशा सत्य की जीत होती है, उस टाइम भी हमारे साथ धक्काशाही करके इन्होंने, आपने आप ही के कैमरे के माध्यम से पता चला कि किस तरह से उन्होंने धक्केशाही की, कैसे हमारी 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया जबकि वो वैलिड थी, और आज उन्होंने अपनी बात से मुकरे कि हाँ जी मैंने गलत निशान लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फर्क ऐसा है जो हमें कोई, मेरे ख्याल से तो मुझे तो उम्मीद है कि वो वापस आएंगे और अपनी माँ पार्टी में जरूर आगे ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि वो शायद किसी बहकावे में चले गए हैं, अदरवाइज तो वो जाने वाले थे, पार्टी के सच्चे सिपाही थे। कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी भूल हुई है और शायद वो वापसी करेंगे। चंडीगढ़ में सबसे बड़ी समस्या तो मेरे घर के पास जो सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, बहुत हद तक मतलब मैंने जहां तक उसकी आवाज उठाई गवर्नर साहब के सामने, एमसी के अंदर, हाउस के अंदर, और बहुत हद तक काम हो गया। जो रह गया है करीबन 25% काम रह गया है और वो 20% काम भी मैं, जैसी परमात्मा मुझे आशीर्वाद देगा तो मैं जरूर उसमें पूरा भागीदारी लूंगा और डंपिंग ग्राउंड को खत्म करके चंडीगढ़ को दोबारा से नंबर 1 बनाने के लिए पूरा पूर्ण प्रयास किया जाएगा।